नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं मिस दुर्रानी। आज हम बनाना सीखेंगे स्पेगेटीज। स्पेगेटीज बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल हैं स्पेगेटीज 1 कप, पानी हस्ब जरूरत, ऑयल 1/2 कप, लहसुन 2 जवे, बोनलेस चिकन 1 पाव क्यूब्स में कटी हुई, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी प्याज 1 अदद, गाजर 1 अदद, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 4 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, केचप 1/2 कप, मायोनीज 1/2 कप। तरकीब। सबसे पहले पानी में 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे बॉयल होने रख दें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो इसमें स्पेगेटीज डाल दें। जब तक स्पेगेटीज बॉयल हो रही हैं, तब तक हम शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज को जूलियन कट काट लेंगे। जब आपकी स्पेगेटीज बॉयल हो जाए तो आप इसे छन्नी में डालकर इसका पानी अलग कर दें। फिर इस पर ठंडा पानी डालें ताकि आपकी स्पेगेटीज अलग अलग और खिली खिली रहें। अब हम लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और फिर ऑयल गरम करके लहसुन को इसमें कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन डाल के और अच्छे से इसको सौते कर लेंगे 5 मिनट तक। जब चिकन सौते हो जाए तो इसमें तमाम सॉसेस और काली मिर्च नमक डाल के हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब आप इसमें चिकन पाउडर डालें और सब्जियां ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक मजीद पका लें। अब आप इसमें केचप और मायोनीज डालें और बॉयल हुई भी स्पेगेटीज भी ऐड कर दें। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 2 मिनट तक मजीद पकने दें। मजेदार स्पेगेटीज तैयार हैं। सर्व करें और एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।